हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में मैं हूं आपका दोस्त एंड दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू स्टॉप योर हैंगिंग प्रॉब्लम इन प्ले स्टोर ऐप अगर आपके भी ऐप को आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर में जाके और वो डाउनलोड पेंडिंग का ऑप्शन आपको दे देता है मतलब डाउनलोड नहीं होता बताता रहता है पेंडिंग बताता रहता है तो उसके लिए आपको क्या करना है कैसे उसका सोल्यूशन है क्या है इसके दो तीन सोल्यूशन मैंने जिन्होंने निकाले हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा बारी बारी से इसको शुरू से लेकर आगे तक देखते रहिए भाई तो अगर आप जाते हैं प्ले स्टोर में जाने के बाद में कोई भी ऐप हो चाहे बड़ा हो या छोटा हो कम एमबी का हो ज्यादा एमबी का है वैसे मैं आपको बता दूं ज्यादातर ज्यादा एमबी के जो ऐप होते हैं जब आप कम नेटवर्क में होते हैं जहाँ पे नेटवर्क अच्छे नहीं होते हैं तो मोस्टली तब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसके दो तीन कारण हैं एक तो एक कारण ये हो गया इसके अलावा दूसरा कारण जो है वो ये है कि जब आप आ, आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा मोबाइल ऐप्स आपने डाल रखे हैं मतलब आपके रैम में जो है इतना स्पेस नहीं है कि वो दूसरी ऐप को जो है रन कर सके प्रॉपरली तब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा अगर ऐप डले हुए हैं जो फालतू हैं जो काम के नहीं हैं तो उनको बस उठा के वहाँ से डिलीट कर दीजिए डिलीट इसलिए कर दीजिए क्योंकि जब वो ऐप वहाँ से हटेंगे तो जो स्पेस है वो कम होगा इसके अलावा एक और कारण होता है कि आपकी जो गैलरी होती है आपने बहुत सारे वीडियोस व्हाट्सअप में यहाँ वहाँ से डाउनलोड किए होते हैं और इसके अलावा आपके स्पेस बहुत ज़्यादा भरा होता है मतलब अगर आपका बत्तीस जी और उसमें से तीस जी आपका भरा पड़ा हुआ है तब भी ये प्रॉब्लम आती है अगर इन तीनों चीज़ों को आप सही ढंग से सही कर लें मतलब आपकी मेमोरी जो है उसको भी कम कर लीजिए अगर आपके जो मोबाइल ऐप डले हुए हैं जो फालतू ऐप डले हुए हैं जो जरूरी नहीं है उनको हटा दीजिए और ये दो तीन चीज़ें जब आप कर लेते हैं तब ये प्रॉब्लम फाइनली पूरी तरीके से रिजोल्व हो जाती है तो भाई एक कारण तो तीन कारण मैंने आपको बता दिए है इसके सोल्यूशन में कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो ऊपर थ्री लाइन बनी हुई है इस पर चले जाइए और जाने के बाद में एक किसी ने ऐसा डा डाला हुआ है मैंने इनको भी देखा था कि आप अगर यहाँ पे ऑटो अपडेट्स ऐप का जो ऑप्शन है यहाँ पे डोंट ओवर वाईफाई ओनली लिखा हुआ है तो इसको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक कर दीजिए और डन कर दीजिए तो ऐसा नहीं है कि इसके कर देने से मतलब आप इसको भी ट्राई कर सकते हो अगर ऐसा करने से आप कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो ठीक है अदरवाइज जिसको रहने दीजिए जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए और बस आप दो काम कर लीजिए अपनी मोबाइल की जो बहुत सारा आपकी फाइल डले हुए हैं वीडियोज डले हुए हैं जो फालतू डेटा आपका डला हुआ है मेमोरी में उसको डिलीट कर दीजिए और दूसरी चीज ये कि आपके मोबाइल में जितनी मोबाइल ऐप डली हुई उसमें से जो फालतू मोबाइल ऐप डली हुई है उनको वहां से डिलीट कर दीजिए ये दोनों चीज़ें कर लेने के बाद कर लेने के बाद में आप दोस्तों एक चीज और करिएगा मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लीजिए जी हाँ दोस्तों बंद कर लीजिए मोबाइल को और एक बार ऑन कर लीजिए तो दोस्तों अभी जो है हम ट्राई करके देखते हैं ऐप इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक क्लिक में और हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं करने के बाद आप देखेंगे कि हाँ डाउनलोड होना तुरंत ही शुरू हो चुका है और डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपका यहाँ पे दिखाना शुरू हो गया है तो मैंने कुछ भी नहीं किया है मैंने बस सिंपली यही किया है जितने भी मेरी फालतू की ऐप डली हुई थी उनको मैंने वहाँ से हटा दिया है और इसके अलावा जो मेरे स्पेस नहीं था मेरे मोबाइल में मैंने बहुत सारे वीडियो बहुत सारी फ़ोटोज़ मेरे मोबाइल में डली हुई थी जिसके कारण मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था तो मैंने दोनों चीज़ों को वहाँ से कर दिया है और अब ये बाखूबी यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो चुका है और बहुत ही आराम से जो है डाउनलोड हो रहा है तो भाई